नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूँ, हम लोग अभी टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने टोटल 14 वीडियो कर लिया है। ये हमारा जो होगा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड का 15वां वीडियो होगा, ठीक है। और ये सारे इंग्लिश वर्ड मैंने जो भी पिछले साल पूछे गए SSC बैंकिंग के एग्ज़ाम्स से हैं, वो लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए, पहला हम लोग इंग्लिश वर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो है गॉन्ट, GAUNT। गॉन्ट मतलब होता है पतला होना, पतला दुबला होना, इसको गॉन्ट कहेंगे, ठीक है। अगला है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा होना, थिक होना, ये होता है। तीन नंबर देखिए बी, एन ओपन बुक, एक खुला किताब होना, यानी ईजी टू नो एवरीथिंग, यानी एक ऐसा इंसान होना जिसके बारे में सभी को पता हो, तो हम लोग कहेंगे बी एन ओपन बुक। टोरेंट, टोरेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी का एक ऐसा मतलब बहाव जो काफ़ी तेज़ी से बहता हो और काफ़ी फास्ट बहता हो, काफ़ी तेज़ी से बहता हो, तो हम लोग टोरेंट कहेंगे। अगला है हमारा नटशेल। नटशेल का मतलब क्या होता है? और नटशेल का मतलब होता है हमारा एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी किसी चीज़ को काफ़ी संक्षेप में कहना, तो हम लोग कहेंगे अ नटशेल। उसके बाद ड्रॉ, छः नंबर। ड्रॉ का मतलब होता है अ गेम इन विच नो वन विन्स, एक ऐसा गेम जिसमें दोनों पक्ष में से कोई पक्ष नहीं जीते, तो हम लोग कहेंगे गेम ड्रॉ हो गया। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, मतलब छिपाना, कंसील करना, हाइड करना, डिसगिज होता भी। वायरलेंट मतलब क्या होता है? वायरलेंट मतलब डेंजरस। उसके बाद एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है हमारा फ्रेंडली, कोई इंसान हो जो फ्रेंडली हो एमिकेबल कहलाएगा। पॉसिटी मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज़ का कमी होना, वो हमारा पॉसिटी कहलाएगा, ठीक है। अगला है हमारा मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा, वो हमारा मिनिएचर कहलाएगा। सेम इसका सिमिलर वर्ड है डिमिन्यूटिव, मतलब वेरी स्मॉल, ये दोनों सिमिलर वर्ड हो गया। गिगांटिक मतलब होता है कोलोजल, मोमैथ, बिगेस्ट पार्ट, यानी बहुत बड़ा। तो ये जो मिनिएचर है और डिमिन्यूटिव है, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया गिगांटिक। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? प्रिसाइजली, डेफिनेट, बैलेंस, मतलब एक्यूरेट होना, स्पष्ट होना, एकदम दोनों बैलेंस होना, प्रिसाइज, क्लियर होना, तो ये सारा चीज़ एक्यूरेट कहलाएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए सकम्ड। सकम्ड मतलब होता है दम तोड़ना, कोई इंसान जो दम तोड़ दे, शायद उसका ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ हो, तो सकम्ड मतलब होता है दम तोड़ना। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, एक ऐसा इंसान जो मैप्स बनाता हो या ड्रॉ करता हो, कार्टोग्राफर कहलाता है। फ्लोरिस्ट मतलब क्या? अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, एक ऐसा पर्सन जो बिक्री करता हो, अरेंज करता हो, सेल करता हो, किसका? फूलों का, तो वो फ्लोरिस्ट कहलाएगा। डेडिकेशन मतलब क्या होता है? डेडिकेशन मतलब होता है डिटर्मिनेशन होना, कमिटमेंट होना, यानी किसी चीज़ को लेकर के पूर्णता लग जाता है कोई इंसान, तो वो कहलाएगा डेडिकेट हो गया। डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है, त्याग करना, ठीक है। अ लॉट ऑफ एडवाइजेस गलत है, अगर इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे सेंटेंस मिले अ लॉट ऑफ एडवाइजेस, तो ये गलत होगा, सही होगा अ लॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है। अ लॉट ही हमें बता देगा बहुत सारा एडवाइस, तो फिर से यहाँ एडवाइजेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो हेडवे, नो हेडवे मतलब अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, यानी कोई जब आगे लगातार नहीं बढ़ पाता है, तो हम लोग कहते हैं अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, यानी नो हेडवे। एग्जरेट मतलब क्या होता है? एग्जरेट मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना, ओवरडो, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कोई कहता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एग्जरेट कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में देखिए हाउ कुड ही गलत होगा, अगर रहता हाउ ही कुड तो ये सही होगा, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस में।
23 नंबर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, यानी धागा से किसी चीज़ को हैंग करना, यानी बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि धागा कभी भी टूट सकता है, तो बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। डेंस मतलब क्या होता है, भरा हुआ होना, कोई चीज़ भरा हुआ रहे तो कहते हैं डेंस सिचुएशन में है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है स्पार्स। स्पार्स का मतलब क्या होता है, फैल जाना, स्पील हो जाना। इरॉड मतलब क्या, डिसइंटीग्रेट यानी टुकड़ा होना, इंटीग्रेट मतलब एक होना, डिसइंटीग्रेट यानी टुकड़ा होना, इरॉड अलग होना। ठीक है, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पूर्व का यानी जो पहले होता है। ठीक है, पूर्व का, पहले था लेकिन अब नहीं है तो फॉर्मर कहेंगे। इसका अपोजिट वर्ड हमारा हो जाएगा लेटर, यानी बाद वाला। ठीक है, तो फॉर्मर का अपोजिट हो गया हमारा लेटर। लीज का मतलब क्या होता है, लिस्ट, सॉरी LEAST, लिस्ट मतलब होता है सबसे कम यानी नीचे का, अंतिम। स्टील STEAL, स्टील मतलब क्या होता है, चुराना, लेकिन अगर STILL रहता यानी स्टील मतलब अभी तक। ठीक है, शांत। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होना, डियर होना। ठीक है, तो एक्सपेंसिव का जस्ट सिनोनिम हो गया डियर। जेंटल मतलब होता है विनम्र होना। ठीक है, नम्रतापूर्वक कोई बात करता है तो वो जेंटल कहलाएगा। माइल्ड मतलब क्या होता है, MILD, माइल्ड मतलब कम होना, न्यूनतम होना। सोबर मतलब नॉट प्लेफुल, मतलब कोई जिसमें उमंग एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो वो सोबर कहलाएगा, यानी शांत रहता है। ठीक है, लिथार्जिक है। कन्वे मतलब पहुंचना, एग्जांपल देखिए, आई विल कन्वे योर, पहुंचाना, कन्वे मतलब पहुंचाना। एग्जांपल देखिए, आई विल कन्वे योर मैसेज, मतलब मैं आपके मैसेज को कन्वे कर दूंगा यानी पहुंचा दूंगा। डेक्स्टरिटी मतलब क्या होता है, मास्टरी यानी स्किल, दक्षता। किसी काम को करने में कोई इंसान जब पूरी तरह से सक्षम हो तो वो डेक्स्टरिटी कहलाएगा, यानी स्किल्ड हो। ठीक है, अगला देखिए हमारा एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, नज़रअंदाज करना। इनगल्फ मतलब होता है घेर लेना, निगल लेना। चौफर, चौफेयर, चौफेयर मतलब होता है चालक के रूप में काम करना, चालक के रूप में काम करना, यानी मोटर चालक, कोई अगर इंसान है जो चलाता है गाड़ी वगैरह तो वो चौफेयर कहलाएगा। चारिज्मा, चारिज्मा मतलब चार्म होना, अट्रैक्टिव होना, आकर्षक होना, वो चारिज्मा कहलाएगा। 42 नंबर, अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी आसान हो, काफ़ी खुश मिजाज हो और हैप्पी सिचुएशन हो, तो बेड ऑफ रोजेज कहलाएगा, अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, अगला जो हमारा है 43 नंबर, अ क्लोज फिस्टेड, फिस्टेड मतलब, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है। ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी एक ऐसा इंसान जो क्लोज फिस्टेड हो यानी कंजूस हो, यानी अपना मुट्ठी को वो खोलता ही नहीं हो, तो अ माइजरली पर्सन। ठीक है, कंजूस इंसान। पैट्रियॉट मतलब क्या होता है, वन हु लव हिज कंट्री, यानी देशभक्त होना। ट्रेटर मतलब धोखेबाज होना, गद्दार होना। कंस्पिरेटर मतलब षड्यंत्र रचने वाला। ठीक है, कोलाबोरेटर मतलब क्या होता है, एसोसिएटर मतलब दूसरे के साथ मिल करके कोई चीज़ काम करे तो साझा करने वाला। ठीक है, बैंक्रप्ट मतलब क्या होता है, बैंक्रप्ट मतलब होता है इन इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स। पॉपर यानी एक ऐसा इंसान जो जिससे उधारी लिया हो वो वापस लौटाने में सक्षम ना हो, तो बैंक्रप्ट कहलाएगा, या पॉपर कहलाएगा, या इंसॉल्वेंट कहलाएगा, या दिवालिया या कंगाल कहलाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है खर्चीला होना, एक्सपेंसिव होना। ठीक है, अगला हमारा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है आउटडेटेड यानी अप्रचलित, जो प्रचलित है ही नहीं, ऑब्सोलेट कहलाएगा। कॉन्वॉय मतलब क्या करता है, काफिला, दैट इज कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, यानी ट्रक का अगर काफिला जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स। क्रीव, क्रीव मतलब होता है काम करने वाले कर्मी, उसको क्रेव कहलाता है। ठीक है, फ्लॉक मतलब होता है पक्षियों का झुंड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। बेबी मतलब होता है टोली, झुंड, गायों का झुंड। ठीक है,
कैनल मतलब होता है कुत्तों का घर, हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, हाइव। थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार या कटीला। ड्रैग का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, खींच कर लाना। बाधा, ड्रैग मतलब बाधा, खींच कर लाना। डूइंग स्लोली ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल, कोई बाधा है जिसके कारण किसी चीज़ को ड्रैगिंग कर रहे हैं, यानी खींच कर ला रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो वो ड्रैग कहलाएगा। अगला देखिए, अगला है वियर्ड। वियर्ड मतलब क्या होता है, अजीब तरह का, निराला, भयानक। नज मतलब क्या होता है, NUDG, नज मतलब कुहनियों से धकियाते हुए आगे बढ़ना या टहोका मारना। गिगल मतलब क्या होता है, मंद मंद हंसना। ग्रिन मतलब क्या होता है, दांत दिखाकर हंसना। टर्माइट मतलब क्या होता है, दीमक, जैसे कि लकड़ियों में दीमक लग जाता है तो टर्माइट कहलाता है, दीमक को टर्माइट कहते हैं। पैट मतलब क्या होता है, थपथपाना, शाबाशी देना। स्टेयर मतलब क्या होता है, आंख गड़ा कर देखना। मैरिली मतलब क्या होता है, प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, मैरिली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। रोम मतलब क्या होता है, रोम मतलब होता है हमारा भ्रमण करना, घूमना। बेयर मतलब होता है नंगा रहना। श्रीन मतलब होता है निर्मल, शांत, विनम्र। मरमर मतलब होता है बड़बड़ाना, सरसराना। अगला है शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रोधी व्यक्ति हो, चिड़चिड़ा हो। बॉदर मतलब क्या होता है, चिंतित होना। लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक या भूस्वामी, ठीक है। हेल, हेल मतलब क्या होता है, ओला पड़ना। फिल्थ मतलब क्या होता है, मल, कूड़ा, ठीक है, कूड़ा कचरा या ये मल, ये सब फिल्थ कहलाएगा। अनहाइजेनिक यानी अलाभकारी, अस्वास्थ्यकर, अनहेल्थी फूड, ठीक है। हिप मतलब होता है ढेर लगाना, किसी चीज़ का ढेर लगा दो तो वो हिप कहलाएगा। स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, बेकार। हेल मतलब क्या होता है, नरक, जैसे बोलते हैं ना गो टू हेल, यानी नरक में जाओ। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी, संक्रामक रोग। बाउंड मतलब क्या होता है, लाचार, विवश, सीमित, बंधा हुआ, ये हमारा बाउंड कहलाएगा। कोई है जो बंधा हुआ है वो बाउंड कहलाएगा। एपिडेमिक मतलब महामारी, संक्रामक। अगला देखिए, कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है कबूल कर लेना किसी चीज़ को, एक्सेप्ट कर लेना। इंस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद। कंसेंट मतलब होता है परमिशन लेना किसी का, कंसेंट। अब देखिए थोड़ा ग्रामर, यूज़ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि देखिए नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑफ्टेन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्विस अ ईयर, एवरी ईयर, ये सब रहे ना, तो जैसे कि इन सब में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए दैट इज़ एग्जाम्पल। देखिए सी नेवर टेल्स अ लाई, नेवर के बाद टेल्स लगेगा, जैसे कि यहाँ नेवर था। विनोद ऑफ्टेन कम्स लेट, यानी विनोद कभी कभार लेट आता है, तो ऑफ्टेन मतलब होता है कभी कभार, नेवर मतलब हम कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ऑफ्टेन मतलब कभी कभार, यूजुअली मतलब हमेशा, एवरी वीक मतलब प्रति सप्ताह, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि और एक देखिए, दे गो टू चर्च ऑन संडेज, मतलब वो केवल संडे में चर्च जाता है, तो इस तरह से हम लोग जब लगाएंगे तो एस या ई एस का जो प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए, कोई चीज़ प्लान किया हुआ है, जैसे कि प्लैंड फ्यूचर एक्शन, यानी भविष्य में होने वाला है, जैसे कि मिस्टर सोनू रिटायर्स ऑन 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी को रिटायर होने वाला है, ये प्लैंड है और होने वाला है, तब हम लोग इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे और एस या ई एस लगेंगे। मैंने मिस्टर सोनू रिटायर्स, रिटायर्स एस एस या ई एस क्यों यूज हुआ, क्योंकि सोनू एक सिंगुलर है। विल लीव दिल्ली एट 3:30 PM नेक्स्ट मंडे, यानी वो नेक्स्ट मंडे को जाने वाला है, लेकिन हम लोग वाला है नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। तो वी लिव दिल्ली एट 3:30 PM नेक्स्ट मंडे, ये प्लैंड है, प्लैंड किया हुआ है। आवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमारा कॉलेज जो है जुलाई महीने में क्या होता है, खुलता है, तो ये भी प्लान किया हुआ है कि जुलाई में खुलेगा, तब ऐसे में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। 86 नंबर, असी चेंज। असी चेंज का मतलब क्या होता है, अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब काफ़ी बड़ा, काफ़ी अतः पूर्ण, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक बहुत बड़ा बदलाव, तो असी चेंज कहलाएगा।
टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रिवेंज, मतलब जो पुराना उनसे दुश्मनी था उसको फिर से क्या करना, पे कर देना, तो टेक रिवेंज कहलाएगा। एक्जिलरेट, एक्जिलरेट मतलब क्या होता है, आनंदित रहना, खुश मिजाज रहना, टू मेक समवन हैप्पी। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, स्ट्राइव मतलब टू वर्क हार्ड, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना, तो टू वर्क हार्ड होगा। डिसवेड मतलब क्या होता है, नॉट वर्क हार्ड, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत ना करना, तो डिसवेड कहलाएगा। अगला देखिए, हल हल सयोन, हल सयोन मतलब क्या होता है, कॉम रहना, शांत रहना, पीस रहना, पीसफुल। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, मोडेस्ट, ठीक है। पॉम्पस मतलब क्या होता है, रूड होना, एग्रेसिव होना, बेलिजरेंट होना, ये सब मतलब जो कोई गुस्सेदार हो, गुस्सा क्रोध हो, क्रोध करने वाला हो, तो पॉम्पस कहलाएगा। अफ्लुएंट मतलब रिच यानी धनी। कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, जंक्शन, संगम, जमावड़ा, मेल, यानी जब कोई दो चीज़ों का आपस में मेल होता हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्फ्लुएंस। फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, जैसे कि थोड़ा सा ग्रामर टाइप का है। ही इज़ वेरी गुड, यहाँ पे क्या होता है, एट होता है, क्यों, मेकिंग स्टोरीज, यानी जब किसी चीज़ को स्टोरी का बनाने का बात हो तो एट होगा, ठीक है, मतलब उसके कोई क्वालिटी का बात हो कि वो स्टोरीज को बना सकता है तो एट लगाएंगे, तो सी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। दो नंबर देखिए, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, टेकन केयर जहाँ देखिए उसके बाद ऑफ लगता है, ये याद रखें, टेकन केयर ऑफ बाई मी, मतलब उसका ध्यान रखा जाएगा किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तीसरा नंबर, आई एम वेरी फास्ट एट डूइंग होमवर्क्स, मतलब मैं काफ़ी तेज हूँ घर का होमवर्क बनाने में, तो एट होगा, एट डूइंग, ठीक है, तो ये सारा याद रखना है। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड पोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी हमारे ब्रह्मांड में जो भी बॉडीज हैं, जो भी तारे वगैरह हैं, उनका जब हम लोग मूवमेंट का स्टडी करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी कहलाएगा। प्रोवोक मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, अराउज करना, उकसाना, इंड्यूस करना, उत्तेजित करना, इंसाइट करना, उत्तेजित करना, भड़काना, ठीक है, ये सारा चीज़ कहलाता है प्रोवोक। अपीज का मतलब क्या होता है, APPEASE, अपीज मतलब होता है अलह होना, कॉम होना, शांत रहना, सूत करना, यानी किसी चीज़ में शांति लाना, अपीज कहलाएगा। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस मतलब क्या होता है, बायोस्ड होना, यानी पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज़ का पूर्वानुमान कोई लगा रहा है तो बायोस्ड है, यानी प्रिजुडिस है, या फिर प्रिकंसीव्ड है, प्रिकंसीव्ड, ठीक है, या फिर ओपिनियन देना, अपना राय देना। एथोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, यानी जानवरों के बिहेवियर को जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वो इथोलॉजी कहलाएगा। लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में, इस तरह से मूव करना, ये हमारा कहलाएगा लोकोमोशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का ये वीडियो भी समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। चैनल में नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।